हेलो फ्रेंड्स, और जैसा कि मैं लाइव आया हूँ आज, और मैं इसको थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, आपका इंग्लिश का जो पेपर है त्रैमासिक का, उसको सोल्यूशन देखने वाले हैं। और मुझे पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ पर बनाया था, और शायद मुझे मिल जाता है तो मैं उसको जल्दी देख लेता हूँ। और शायद यहाँ होना चाहिए वो। ओके, ये रहा है मेरे पास, तो इसका पूरा सोल्यूशन अपन यहाँ पर देखेंगे। और ये हाँ, ठीक है ओके, आ चुका है। तो एक बार और मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, थोड़ा सॉल्यूशन पेपर की तैयारी कैसी चल रही है, स्पाइडर का पोता। ठीक है, चलिए देखिए, बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। और ये जो पेपर है आपका, इसका पूरा सॉल्यूशन है इस प्रकार का। जो पहला आपका पैसेज है, और ये पैसेज आपको पूरा देख लेना है अच्छे ढंग से, और आगे मैं पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ मैं आपको, तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और देखिए, ये स्क्रीन रिकॉर्ड अगर आपके पास सही आ रही हो तो देखिए, सही आ रही है तो देखिए, मुझे बताइए एक बार किस तरीके से आ रही है और कैसा क्या है। सही हो तो मैं इसको आगे शुरू करता हूँ। ओके दीपेश दास, बिल्कुल, हेलो 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 दीपेश, सही आ रहा हो तो मुझे बताइए, फिर मैं इसको आगे प्रोसेस करता हूँ। ओके, सही आ रहा है, इसका नेटवर्क सही इशू तो नहीं है, फिर मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। और सेक्शन ए आपके पास है, सेक्शन ए, और इसके कुछ नहीं है, इसके पैसेज है, इसके पैसेज का सोल्यूशन आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। नेक्स्ट है आपके पास, ये पैसेज है, इसमें भी कोई भारी काम नहीं है। वी मस्ट प्रोटेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, थोड़ी सी ब्लर आ रही है। अच्छा, तो उसको एक काम करिए, थ्री डॉट होंगे साइड में आपके, इसमें अगर आप देखेंगे तो थ्री डॉट दिख रहे होंगे इस तरीके से, साइड में थ्री डॉट दिख रहे हैं, उन थ्री डॉट पर जाकर अच्छी क्वालिटी में करके देखिएगा तो आपको सही से दिख जाएगा। ओके, और आवाज़ सही आ रही है, आवाज़ सही आ रही है हो तो आगे बढ़ते हैं, और बाकी सभी को जोड़िएगा फटाफट से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे हम अच्छे तरीके से इसको शुरुआत करते हैं। महावीर सिंह चंद्रावत्सर, क्लास 11th का पेपर चाहिए, बिल्कुल 11th का पेपर भी अगर कल तक आ जाता है तो मैं पूरा सही वाला सोल्यूशन डालूंगा, यहाँ पर कोई मैं फर्जी पेपर नहीं डालने वाला। और ये जो पेपर है आपके सामने जो दिख रहा है, ये भी मैंने IMP इसमें से ढूंढे हैं, काफ़ी सारे बैठने वाले हैं, तो आप ज़रूर इसमें से अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं इस बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोटेक्ट। ओके, प्रोटेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस पूरे पैसेज में से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और आप आराम से कर सकते हैं। सर, 12th का फिजिक्स का पेपर, 12th का फिजिक्स का पेपर मैं डाल चुका हूँ, और आप ज़रूर देखिए उसमें से, और ये मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आ रहा है, देखिए उसमें से। और हेलो लिख दीजिए, अगर जो भी हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जुड़ गए तो मेरी रिक्वेस्ट, सभी क्लास में भेज दीजिए, अपना जो ग्रुप है क्लास का उसमें भेज दीजिए, और थोड़ा थ्री डॉट पर जाकर सही क्वालिटी में करके देखेंगे। थ्री डॉट में जाकर अगर आप बेस्ट क्वालिटी करके देखेंगे, ऑटो की जगह आप यहाँ पर करिएगा हाई पिक्चर क्वालिटी करके, हाई पिक्चर क्वालिटी में जाकर देखिएगा, और 360 करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सही से दिख जाएगा। ओके, और कुमकुम जोशी, वैभव, ठीक है। ओके, तो शुरू करें क्या, ये आगे इसको बढ़ाएं क्या? और देखिए, मैं छत पर बैठा हूँ यहाँ पर, अभी मैं यहाँ से मेरा पूरे घर का नज़ारा बताता आपको, अभी फ़िलहाल नहीं, फिर बाद में कभी। और शुरू करें सभी, सर सबको बुलाने की कोशिश करता हूँ। ओके, जो भी आ चुके हैं कोई समस्या नहीं है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी आए हैं, और हम यहाँ पर शुरू करेंगे इसको अच्छी तरीके से। और सब थोड़ी हेलो हेलो टूरिस्ट शुभम, हेलो सब अच्छी क्वालिटी करके देखिए तो सही से दिखेगा आपको। ओके, ये पैसेज है कुछ जो आपके सामने यहाँ पर है, और क्वेश्चन के आंसर्स में बताऊँगा आपको जो जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बेसिक्स जो हैं। सर, 12th इतिहास, बिल्कुल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ए जो था उसमें कुछ इस तरीके से, ये आपका जो पैसेज है, पैसेज राइटिंग है, पैसेज कुछ इस प्रकार से बताया गया। पुराना जो पैसेज है काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है, और आप हिमालयस नॉर्थ इंडिया, ठीक है। माउंटेन इन कहाँ है, तो नॉर्थ ऑफ इंडिया है। ओके, इसमें नॉर्थ ऑफ इंडिया आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। एग्ज़ाम में यही आएगा क्या? नहीं भाई साहब, ये एग्ज़ाम में ये वाला नहीं आएगा। अरे भाई, ये तो मैं IMP बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से, जो आपका बैठ जाए शायद इसमें से, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, है ना। ओके, चलिए आपको अगर दिख रहा हो, आप सभी कमेंट ऑफ करके साइड में पूरा सही से लिखिएगा जो भी क्वेश्चन है इसके आंसर्स। और देखिए, सेक्शन बी हमारे पास है,
सेक्शन बी का जो आपके पास इस तरीके से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का पक्का आने वाला है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सही क्वालिटी में करना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जरूर आएगा आपका पेपर में क्वेश्चन, तो ये पहला वाला सेक्शन बी का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो दे रखा है उसको जरूर करिएगा। ओके आप सभी अपना कमेंट ऑफ कर दीजिए, यहाँ से कमेंट ऑफ कर, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जो क्वेश्चन है ये ज़रूर आने वाला है। एक ये पूरी एप्लीकेशन आएगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक पैसेज आएगा, दो पैसेज जो ऊपर बताया वैसे एक बैठने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको नोट समरी वाला जो है एक क्वेश्चन आने वाला है, समरी और नोट्स बनाने हैं अच्छी तरीके से, देख लीजिएगा ये वाला जो पैसेज आपके सामने है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले पाए। इसमें हाई क्वालिटी नहीं आ रही क्या? हाँ नेटवर्क इसकी नहीं तेरे पास, क्या बात कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते फटाफट से, इसको जल्दी से देख लेते, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। चलिए ओके, कमेंट नहीं करें आप और सभी अच्छे से देखें इसको ओके, और जिसको कोई भी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको इधर ले लेता हूँ और कि ठीक है, और आप प्लीज़ कमेंट नहीं करें अभी, सभी को के आंसर देखेंगे। ये जो पैसेज है इसका समरी पूछ सकता है, तो आप ज़रूर समरी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा मुझे इधर ही लेना पड़ेगा ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लिखना है आपको, पता है सबने वंडर ऑफ साइंस का तैयार कर रखा होगा, ऐसे तो ऐसे ज़रूर कर लीजिएगा, वंडर ऑफ साइंस का जो ऐसे आएगा ऐसे आप ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप ज़रूर उसको तैयार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वंडर ऑफ साइंस के बाद ये जरूर सेक्शन सी का मैं पूरा सॉल्यूशन करने वाला हूँ, फटाफट से देख लीजिएगा। मोहन मोहन डज हिज ड्यूटी, यहाँ पर आ जाएगा डज, पहले वाले में आ जाएगा डज ओके, मोहन डज हिज ड्यूटी ओके, नेक्स्ट मोहन डज हिज वर्क आ रहा है यहाँ पर ओके, आई सी सी या सा, तो सा आएगा बिल्कुल यहाँ पर, सा अ टाइगर यस्टरडे, दे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे दे आर है इसलिए आर आ जाएगा यहाँ पर, आर प्लेइंग। सुषमा डिड नॉट ईट योर एप्पल या डू नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा डू नॉट ईट योर एप्पल, ठीक है सुषमा डू नॉट ईट योर एप्पल ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें और क्वेश्चन जो आ रहा है, आयुष आयुष लेट, आयुष कम लेट एवरीडे, आयुष कम्स यहाँ पर आ जाएगा कम्स लेट एवरीडे ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वालिटी सही करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सही दिखेगा, और बाकी मेरी तरफ से मेरा पूरा है कि मैं आपको अच्छे से बताऊं, और मेरी कोशिश है कि आप अच्छे से देख पाएँ। डू एस डायरेक्ट देख लीजिएगा, नेगेटिव में चेंज करना है, माय पेरेंट लिव इन मुंबई, तो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, तो माय पेरेंट्स डज नॉट डू नॉट लिव इन मुंबई आ जाएगा यहाँ पर, डू नॉट लिव इन मुंबई आ जाएगा ओके, माय पेरेंट्स डू नॉट लिव इन मुंबई, ठीक है, या नॉट लिव इन मुंबई आ सकता है यहाँ पर ओके, नॉट लगा देना केवल आपको, इसमें आसान सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रीना, स्विच द लाइट सर क्लास 11 का, अरे भाई क्वालिटी ठीक है ठीक है ठीक है, अगर क्वालिटी सबके सही है तो आप आराम से अच्छे से क्वेश्चन देखकर बता सकते हैं ओके। चलिए ठीक है ओह चलिए सही सही है ना, प्लीज़ बताइए, अरे भाई सही तो बता रहा हूँ ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर ये रियल है ना, अरे भाई ये राजमल करिया सर ये रियल है क्या, अरे भाई रियल का कहाँ बताया, मैंने आपको साफ साफ उसमें लिखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर देखिए ठीक है, इसी साल पेपर है क्या भाई, इस साल का पेपर नहीं है ये, और कभी भी इस साल का पेपर बिल्कुल आया ही नहीं, किसी पर भी यकीन मत करो, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ज़रूर पूछने वाले हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आने वाले अच्छे इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर उसको देखिए ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ही इज़ राइटिंग अ लेटर एट क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन टेक मतलब क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, व्हाट ही इज़ राइटिंग ठीक है, व्हाट ही इज़ राइटिंग, ही इज़ राइट इस तरीके से कुछ लगा लेना है आपको। नेक्स्ट आगे वाला आ रहा है, ही इज़ पुअर ही, तो ये देखो ऐसा जब भी आए टू टू वाला तो बड़ा आसान है, ही इज़ वेरी को हटाकर ये वाला टू लगा देना है, और ही कैन नॉट बाई अ न्यू कार, तो ही इज़ वेरी पुअर और डोट हटाकर यहाँ पर लगा देना टू, तो ये टू शुरुआत में वेरी को हटाकर और फिर बाद में ये लगा देना ओके। तो ही इज टू पुअर ही कैन नॉट बाय अ कार ओके। पंकज सा अ काइट, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना, तो पंकज सी अ काइट सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ही इज वेरी पुअर, तो सो और देट अगर लगाना है तो बड़ा आसान सा बात है, ही इज सो वेरी को हटाकर सो लगा देना है और डोट को हटाकर देट लगा देना ओके ठीक है। ही इज सो पुअर देट ही कैन
बुक्स, ओके नेक्स्ट इट वाला, तो इसमें पांच करने थे, आशा करता हूँ पांच में चुका हूँ। आगे इस तरीके से जो क्वेश्चन है इनको अच्छी तरीके से आप हिंदी में लिख लेना है। भारत हमारा देश है, इंडिया इज अवर कंट्री, आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, माँ खाना बनाती है, मदर कुकिंग फूड, या कुकिंग मदर कुकिंग फूड लिख लेगा, तुम्हारा नाम क्या, ये तो बड़ा आसान है, व्हाट इज़ योर नेम, मोहन स्कूल नहीं गया, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, हमारे विद्यालय में 10 शिक्षक है, देयर आर 10 टीचर्स इन अवर स्कूल, इस तरीके से लिख लेगा, ओके नो वाला। सेक्शन डी आपका नहीं पूछने वाला है, सेक्शन डी को हटा दीजिए क्योंकि इस बार चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन जो पिछले साल जो पूछा गया था, ये वाला पूरा जरूर अच्छे से लगा लीजिएगा। ही इज ही गो आ गया तो इसमें गोज आ जाएगा, ही गोस, ओके ही गोस। भाई रियल पेपर तो कल एग्जाम होगी, मिल जाएगा, ओके हाँ बिल्कुल सही बात है, ज्योति धनगर जो कहा है बिल्कुल सही बोला है, और रियल पेपर तो आपका कल जो पेपर होगा उसमें मिल ही जाएगा आपको, यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी करिए जो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल इसका पीडीएफ मैंने हमारे ग्रुप में भेजा है जो कि मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट है, ओके बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नम्रता 10th इंग्लिश लाइव आएगा कल सुबह, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम इसको, नम्रता इज गोइंग टू बाय, ओके गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। नेक्स्ट आगे आ जाएगा, व्हेन यू रीच द बस स्टैंड, लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पर, रुचि वाज वेरी टायर्ड सो सी वेंट आ जाएगा, आई हैव बीन, यहाँ पर आ जाएगा टीच इंग्लिश सिंस 90, ठीक है टोर्थ आ जाएगा शायद यहाँ पर, ओके इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा गायत्री वाला जो है, ठीक है गायत्री यूज्ड टू स्विम, ओके और आपको एमएलए का तो पता ही है, एएन आ जाएगा, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 12th हिस्ट्री का कब आएगा मनोज रावत, रुक जाओ भाई यार तुम, ठीक है चलिए, तो भाई क्यों आएगा, तो बाइक क्यों आएगा, कहाँ पर बाइक क्यों आएगा भाई, ठीक है देखिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए जरूर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। शी स्टडीज हार्ड, ठीक है उसने हार्ड स्टडी की फिर भी वो फेल हो गया, बट फेल्ड आ जाएगा, ठीक है ए क्योंकि दोनों विरोधी सर ऊपर, ठीक है कौन से वाले में क्वेश्चन कौन सा बताइए, मुझे पर्सनली कर देना कौन से वाले में गलत हो गया, ओके एवरी गर्ल अटेंड द क्लास एक्सेप्ट, तो ये वाला एक्सेप्ट लगाना है क्योंकि उसको छोड़कर नंदिनी को छोड़कर, ये एक्सेप्ट तो स्वीकार ना होता है, ओके न्यू मोबाइल वाला हाँ नम्रता इज गोइंग टू बाई आएगा, ओके गोइंग गो वाली जो फॉर्म होती है ना गो गोज गो इन सब में टू हमेशा आता है, ओके इसमें इसलिए टू बाई आएगा, ओके गोइंग बाई और न्यू नहीं आएगा, गोइंग टू बाई आएगा, ओके आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा वैभव तुझे। और यहाँ पर आपको पता है ये दो अगर हो तो वहाँ पर बिटवीन लगता है, और टू ओवर्स अगर गिनने वाली हो तो वहाँ पर फोर लगता है, ओके और द बॉक्स इज वेरी लाइट, अगर जब भी क्षमता की बात की जाए तो कैन लगेगा, यहाँ पर तो आपको पता है ये मे आई कमीन मैडम, और जब भी पहला रिक्त स्थान हो तो आपको आईएनजी वाला ले लेना है, तो ये सब बता चुका हूँ मैं इसके आंसर, ठीक है ये सभी आंसर्स मैंने यहाँ पर गोले लगा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और सभी को मैंने जो पीडीएफ भेजा वहाँ से लिख लीजिएगा, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। डू एस डायरेक्ट आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके सर से पूछ लीजिएगा, ओके ये सब भी मैं बता सकता हूँ लेकिन अभी समय की कमी है तो आप ज़रूर इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर इसमें से कोई एक आधा हो तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा अपने ग्रुप में, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से में आ गए हम, थोड़ा नीचे आ गए अपन थोड़ा सा यार, जल्दी में एकदम उस शायद ऊपर ही निकल गए, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर कहाँ आ चुके थे अपन, ठीक है ये अपन कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये अपन, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, वी हैव टू ओबे आवर पेरेंट्स जो भी हैं, ठीक है इसको हटा दीजिए। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो यहाँ पर आ जाएगा द सन सेट्स इन द ईस्ट, मेरे पास दो पुस्तकें हैं, आई हैव टू बुक्स, वह एक गीत गाएगा, ही सिंग अ सॉन्ग, ओके तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट इज यूअर नेम, ओके चलिए इसके आगे चलते अपन। और सेक्शन सी आपके पास है, यहाँ पर आ जाएगा सो ही वेंट, पहले वाले में आ जाएगा वेंट, ओके वेंट आ जाएगा। नेक्स्ट व्हेन वी रीच्ड द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड बिगन आ जाएगा, BEGAN बिगन हो गया, ऑलरेडी वो शुरू हो चुकी थी। मालिनी फेल्ड ट्राई, शी
फेल्ड ट्राई शी स्विम इन द पोन्ड सिंस मॉर्निंग शी यूज शी स्विमिंग आ जाना चाहिए शायद यहाँ पर एक बार देख लेना टेक्स्ट पहला वाले रिक्त स्थान में आपको चिंता ही नहीं करनी हमेशा आई एन जी वाला लगा लेना है जब भी उठाने वाली बात की गई हो क्या लगाना है ठीक है आई यूज टू स्विम इन यूज टू में आ जाएगा स्विम आ जाएगा यहाँ पर ओके आगे बढ़ते हैं और ये तो बड़े आसान है आपको जो फिलिंग द ब्लैंक से ऑनेस्ट ऑनेस्ट में आ जाएगा अ आ रहा है तो ए एन वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑनेस्ट वाले में तो और यहाँ पर मे आई ड्रिंक अगर कभी भी परमिशन की बात कर दी जाए तो मे आई ड्रिंक आ जाएगा ठीक है चलिए 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 ही वॉज अपसेंट बिकॉज ही वॉज सिक और यू हैव टू वेट वाइल द सिग्नल इज ग्रीन ड्यूरिंग द सिग्नल अनटिल जब तक कि ग्रीन नहीं हो सिग्नल को वेट करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट द मनी दो अगर लोगों के बीच में आए तो जरूर बिट विन लगाना है ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग मॉर्निंग से है तो सिंस आ जाएगा अगर यहाँ पर गिनने वाली बात हो तो फोर लगेगा ओके okay? और यहाँ पर आ जाएगा मोहन मेट हिज फ्रेंड ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे वाइल ड्यूरिंग ड्यूरिंग जब वो हॉलीडे में था ओके okay? और ये आपको ज़रूर अपने हिसाब से देख लेने चलिए आगे बढ़ते हैं और डूएस डायरेक्ट आपको ज़रूर देख लेने ये मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ मैंने पहले का वीडियो ज़रूर देखिए आप वहाँ पर ये सब डूएस डायरेक्ट मैंने करा रखे आप ज़रूर अच्छे तरीके से कर लेगा और इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं ओके तो ये कुछ इस प्रकार का पेपर था आपका आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पर भी पूछ सकते हैं और जो भी पूछना चाहो आपको ओके और थोड़ी अच्छी क्वालिटी करके देखिए ताकि अपन इसको अच्छे तरीके से कर पाए एक बार और मैं सुबह लाइव आऊँगा अगर कुछ मुझे बेटर मिलता है तो ओके और कोई भी कमेंट डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे ठीक है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो आपका तो प्लीज़ ठीक है आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एक बार और शेयर कर दीजिएगा ठीक है और आपने शायद क्लास का अपने ग्रुप में नहीं भेजा है क्या ठीक है कोई बात नहीं चलिए कोई समस्या नहीं है जो मैंने बताया था वो काफ़ी है ये मैं बता चुका हूँ सभी ठीक है और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा सर ने बता दिया पेपर बिल्कुल बता दिया मैंने 11th का भी बता दिया 12th का भी बता दिया है ओके सर मना मैंने लाइक कर दिया ओके स्टडी विद अखिल थैंक यू ओके आप सभी को लाइक कर लेना चाहिए ओके अंधेरा माँ क्या है अंधेरा माँ ठीक है भाई ठीक है ओके चलिए मिलते हैं कल और कल मैं लाइव आऊँगा एक बार और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा अच्छे वाला ओके चलिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी चल रहा है क्या क्या बात कर रहे हैं Thank you.